ओम शांति। समय का खजाना सबसे मूल्यवान है, जानिए कैसे। संगम युग में खजानों के सागर शिव बाबा हमें अथाह खजाने देते हैं, और उसमें भी विशेष नौ प्रकार के खजाने देते हैं। समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, ज्ञान का खजाना, दिव्य बुद्धि का खजाना, खुशी का खजाना, श्रेष्ठ कर्मों का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना और दुआओं का खजाना। इतने सारे खजाने शिव बाबा हमें देते हैं, लेकिन इन सभी खजानों से मूल्यवान खजाना समय का खजाना है। क्योंकि ये जो समय का खजाना है, ये अन्य खजाने पाने का आधार है, बेसिस है। इस समय के खजानों के आधार से अन्य खजाने हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे मूल्यवान ये खजाना है। तो इस संगम युग का हर सेकंड हमें क्या कहता है, भगवान के साथ सेखेन करो, अपना बुद्धि रूपी हाथ परमात्मा के बुद्धि रूपी हाथ में देकर सेखेन करो, और हर एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करते चलो। क्योंकि समय को सफल करना सबसे बड़ी शक्ति है। सफल करना अर्थात सफल, अच्छा फल प्राप्त करना। इसलिए बाबा कहते हैं, जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं वो ऐसे अमूल्य समय को साधारण रीति से बिताते हैं, और जो महीन बुद्धि वाले होते हैं वो हर एक पल को सफल करते हैं और अपने भाग्य को चमकाते रहते हैं। कहते हैं ये जो घड़ी है, घड़ी के कांटे को कोई पकड़ नहीं सकता। घड़ी के कांटे को पकड़ना अर्थात समय को पकड़ना अर्थात उसको सफल करना। ट्रेन को मैंने पकड़ा, माना ट्रेन में आप बैठे, उससे लाभ लिया। तो समय को पकड़ा, माना मैंने उससे लाभ लिया। इसलिए यह संगम युग का समय सबसे मूल्यवान समय है। भाग्य निर्माण का ये काल है। श्रेष्ठ कर्मों के बीज को बोने का यह समय है। अभी अगर हम समय को सफल करते हैं, श्रेष्ठ कर्म का बीज बोते हैं, अविनाशी सच्ची कमाई करते हैं, तो सारा कलप हम मौज से रह सकेंगे। इसलिए लौकिक और अलौकिक में कितना समय देना है, इसका कैसा बैलेंस रखना है, ये हमें सोचना है। क्योंकि बाबा कहते कमाई करो, का माई, माई माना माया। एक तरफ कमाई करो और दूसरे तरफ माया को भी बेचते हैं बच्चे, इसके कमाई में विघ्न डालते रहो। तो वर्तमान समय साइंस के साधन बहुत निकले हैं समय के खजाने को बर्बाद करने के लिए, जैसे कि व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, टीवी है, ये सारे टाइम किलर्स हैं।
तो जो बुद्धिमान होता है वो इन साधनों का प्रयोग संयमित करता है, उसी के पीछे अपना टाइम बर्बाद नहीं करता है और हर एक पल को सफल करता जाता है। क्योंकि सच्ची कमाई, साथ में चलने वाली कमाई करने का समय यह संगम युग का है। तो जमा का खाता हमें बढ़ाना है, लेकिन ये जमाना कैसा है, जमा ना, जमा होने ही नहीं देता है। समय हम बहुत व्यर्थ गवाते रहते हैं, इसलिए संगम युग के महत्व को जानना है। इस समय की हम कदर करेंगे तो अंत में यह समय हमारी कदर करेगा। इसलिए कमाई करना है, जमा का खाता बढ़ाना है, समय को सफल करते जाना है, ऐसा ही हमारा दृढ़ लक्ष्य हो तो हमें शिव बाबा के गले लगना है। क्योंकि इसी जन्म हमें बाबा मिलते हैं, दूसरे जन्मों में बाबा नहीं मिलते हैं। इसलिए ये जो कमाई की घड़ियां मिली है, अविनाशी घड़ियां मिली है, इसको सफल करना है। घड़ी से घड़िया ये शब्द निकला है। तो समय के खजाने को सफल करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और हम माला माल होते हैं और संगम युग के समय को एंजॉय करने लगते हैं। इसलिए समय को बहुत महत्व हमें देना है, साधारण रीति से समय को बिताना नहीं है। हर एक सेकंड में हमें ट्रिपल चौपल सेवा करना है, क्योंकि कंप्यूटर एज है, ये वन इन वन नहीं होना चाहिए। वन इन वन के बजाय वन इन टू, टू इन वन, थ्री इन वन, फोर इन वन, एक ही साथ एक ही सेकंड में हमें अनेक काम करना है। स्थूल काम भी करना है, मुख से रतन भी देना है, मन से, वाचा से, संकल्प से, तीनों से सेवा करना है, संबंध संपर्क से सेवा करना है। जो भी हमें सेवा करने का चांस मिला है, चांस हमें छोड़ना नहीं है, समय को सफल करना है और अपने भाग्य के सितारे को चमकाते रहना है। तो बाबा के इशारे को समझकर इस पर चलने में ही हम सभी का कल्याण है। ओम शांति।